स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइच पे। IDFC फर्स्ट बैंक का, जैसे कि IDFC के साथ जो है इसको मर्जर हुआ है और मर्जर के लिए जो है बोल सकते कि अप्रूवल मिल चुका है IDFC फर्स्ट बैंक को, और IDFC फर्स्ट बैंक की ओर से जो है फिर से अभी अपडेट्स देखने को मिल रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक, अगर आप एक चीज़ देखते हैं तो ये शेयर जो है, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक में शेयर या फिर कंपनी बोल सकते हैं, जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो है एक बहुत ही बढ़िया बैंक लगता है, जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ चल रहा है एंड स्ट्रॉन्ग विजन है इन लोगों का। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले इस स्टॉक को लेकर। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। दोस्तों, एक दिन के अंदर आप देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में 0.7% का गिरावट बनाया है। वन वीक के अंदर 2.9% का गिरावट बनता हुआ दिखा और वन मंथ के अंदर 3.1% का यहाँ पे गिरावट बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है और अंडर रेडर पे ये शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ड्यूरेबिलिटी जो है 65 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 58 है आउट ऑफ 100, मोमेंटम 44.90 आउट ऑफ 100। बात करते हैं दोस्तों इसका जो एक टारगेट प्राइस या फिर माफ कीजिए जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, तो टेक्निकली अभी IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर है ये आप देख सकते हैं जो कि एक न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल अभी है। RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट जोन में है ना कि ओवरसोल्ड जोन में है, और यहाँ पे अगर देखते तो लगभग जो ये शेयर ओवरसोल्ड जोन के आसपास है। MACD इंडिकेटर यहाँ से कह रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर है ये एक बेयरिश लेवल बना रहा है, तो स्टॉक यहाँ से भी थोड़ा और गिरावट दिखा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे एक दिन का BSE एंड NSE मिला के एवरेज देखते हैं तो आप देख सकते हैं 25.1 मिलियन का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डिलीवरी परसेंटेज 30.8% का एंड डिलीवरी वॉल्यूम 7.7 मिलियन का। एक वीक के अंदर 20.6 मिलियन का जो यहाँ पे BSE एंड NSE मिला के एवरेज है, डिलीवरी परसेंटेज 30.8% का है और डिलीवरी वॉल्यूम 6.4 मिलियन का है। वन मंथ के अंदर 23.9 मिलियन का जो यहाँ पे एवरेज देखने को मिल रहा है BSE एंड NSE मिला के शेयर का, और डिलीवरी परसेंटेज 33.3% का, वॉल्यूम यहाँ पे 8 मिलियन का है। तो यहाँ पे स्टॉक में जो है अभी जैसे कि देखने को मिल रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ से गिरावट अगर दिखाता भी है तो हमें लगता है कि होल्ड करना चाहिए स्टॉक में। टारगेट प्राइस, एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस जो दिया गया है वो है 68.14 पैसे का। तो 68 रुपीज़ का भी अगर आप देखते हैं तो एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस दिया गया है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया गया है दोस्तों। और अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जो है तुरंत, अगर देखते हैं तो तुरंत इस शेयर में 68 के टारगेट प्राइस के लिए खरीदारी करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिलहाल यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा अपडेट बोल सकते हैं देखने को मिल रहा है, IDFC फर्स्ट बैंक जो है अभी एक बोल सकते कि जो पार्टनरशिप किया है स्वदेशी कंपनी टू पायलट ए प्रोजेक्ट टू डेमोन्स्ट्रेट ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स। तो IDFC फर्स्ट बैंक जो है ये RBI का जो एक प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम कर रहा है ऑफलाइन पेमेंट के ऊपर, और इसके लिए जो है पार्टनरशिप किया है स्वदेशी कंपनी से। तो एक बहुत बड़ा चीज़ है जहाँ पे देखिए, अगर देखते हैं तो हम लोग IDFC फर्स्ट बैंक का जो है, जैसे कि हर एक इसमें IDFC फर्स्ट बैंक जो है कुछ ना कुछ नया ला रहा है अपने बैंकिंग सिस्टम में, और उसके बैंकिंग सिस्टम को जो है मजबूत बनाने के लिए मैनेजमेंट भी काम कर रहा है। अभी IDFC फर्स्ट बैंक आप देख सकते हैं कि सेट टू बी ए पार्ट ऑफ RBI's पायलट प्रोजेक्ट टू एनेबल ऑफलाइन पेमेंट्स। तो ये RBI का पायलट प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट रिटेल इंडस्ट्री में, रिटेल सेक्टर में लाने के लिए RBI यहाँ पे पार्टनरशिप किया है। द प्राइवेट सेक्टर लेंडर सेड एडिंग दैट द प्रोजेक्ट विल गिव एक्सेस टू डिजिटल पेमेंट्स इवन व्हेन हेयर इज नो नेटवर्क। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बोल सकते कि इम्पोर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक RBI के पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देखते कि ये जो है यूनिक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन वॉज डिजाइंड बाई क्रंच फिश फॉर मर्चेंट्स एंड कस्टमर्स अंडर द RBI's रेगुलरिटी सैंडबॉक्स प्रोग्राम। IDFC फर्स्ट बैंक सेड इन अ रिलीज, दिस प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स बेस्ड ऑन ए डिजिटल कैश प्लेटफॉर्म टू द पेमेंट इकोसिस्टम टू इंडिया ऑफ इंडिया। अभी IDFC फर्स्ट बैंक का दोस्तों एक मजबूत
बोल सकते कि बैंक होके ये सामने आ रहा है, एक मजबूत बैंक होके सामने आ रहा है। और उसके चलते अभी देखते हैं तो जो एक मर्जर भी अभी यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC का अभी हो रहा है, जहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल मिल चुका है IDFC के साथ जो है मर्ज करने के लिए। तो उसके चलते भी अगर देखते तो IDFC फर्स्ट बैंक एक ऐसा शेयर लगता है जो आगे चल के एक बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। IDFC का जो है शेयर्स ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक जो है यहाँ पे जो लगभग 1.38% के आसपास जो बीच में अभी तेजी बनता हुआ दिखा था, क्योंकि यहाँ पे जो ये बोल सकते कि जो पेरेंट कंपनी है उसका IDFC लिमिटेड का जो एक IDFC फर्स्ट बैंक का पेरेंट कंपनी है उसके साथ जो मर्जर का बात आया था, फिर अप्रूवल मिला था, उसके बाद ही जो IDFC फर्स्ट बैंक में भी थोड़ा तेजी बनता हुआ दिखा है। तो अभी यहाँ पे फिर से एक बार गिरावट बन रहा है। तो बहुत जन ने आप लोगों में से पूछा है कि IDFC फर्स्ट बैंक में क्या किया जाए अभी। तो देखिए IDFC जो है अभी जो गिरावट बना रहा है IDFC, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो शेयर बेचना चाहिए। स्टॉक का प्राइस अगर आपने 56 के आसपास भी, 56, 57 के आसपास, 58 के आसपास, 59 के आसपास भी लेके रखा है तो भी हमें लगता है कि यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अभी यहाँ पे IDFC की ओर से देखते हैं, आप तो से दैट इट हैज कंप्लीटेड ऑल स्टेजेस कॉर्पोरेट स्पेसिफिकेशन। तो जो भी यहाँ पे मर्जर हो रहा है, जैसे कि आपने देखा है कि IDFC की ओर से जो IDFC का फर्स्ट बोल सकते कि IDFC फर्स्ट बैंक का जो एक पेरेंट कंपनी है उनके ओर से जो एक अप्रूवल भी मिल चुका है जो अभी मर्ज के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा बोल सकते कि फायदा जाके आगे ही चल के IDFC फर्स्ट बैंक को होगा। और इसका अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखते हैं हम लोग, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सब येस बैंक को हटा देते हैं, येस बैंक को साइड में रखते हैं, क्योंकि येस बैंक का प्राइस जो है बहुत ही कम चल रहा है। अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर बाकी बैंक्स देखते हैं तो हर एक का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, जो भी बैंक सेक्टर से। और IDFC फर्स्ट बैंक अगर आप एक चीज़ देखते हैं तो हर साल में जो IDFC फर्स्ट बैंक का जो प्रॉफिट होता है, बैंक का रेवेन्यू होता है, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट रेवेन्यू बैंक में देखने को मिलता है फर्स्ट बैंक। और हमेशा ही इसका जो है IDFC फर्स्ट बैंक का जो मैनेजमेंट है उनके ओर से कुछ ना कुछ ऐसे अपडेट्स देखने को मिलता है जहां पे ये बैंकिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ नया चेंजेस ला रहा है। जैसे कि इन लोगों ने जो है अभी IPL के साथ जो है एक बोल सकते कि टाई अप किया है, IPL के साथ एक टाई अप किया है जो IPL का मैच होगा उसके साथ। तो ऐसे बहुत सारे बोल सकते कि इन लोगों के साथ जो है कुछ ना कुछ ऐसे IDFC फर्स्ट बैंक कर रहा है जिसके चलते इसको एक मजबूत बैंक बोल सकते हैं। स्ट्रांगली ये कंपनी या फिर बैंक जो है एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और ये और भी ज्यादा स्ट्रांग आगे चल के हो सकता है, फिलहाल अभी का अगर इंफॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा अगर शेयर में अभी गिरावट भी बनाता है यहाँ पे 52 के आसपास चल रहा है, तो एक चीज भी आपको ध्यान देना है कि ये शेयर जो IDFC का जब बीच में अगर देखेंगे तो गिरावट बनाया था, 40 रुपये के नीचे भी ये शेयर पहुंच गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप इस शेयर को होल्ड कर रहे और स्टॉप लॉस रखना भूल गए, तो स्टॉप लॉस जरूर रखना है इस IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में। स्टॉप लॉस रख के खरीदारी कीजिए अगर खरीदारी कर रहे हैं तो, और अगर किसी के पास है यहाँ पे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आपको जो है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में खरीदारी करना चाहिए या फिर बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।